السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله ومن دعاهم بدعوتهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اقم الصلاه لذكري صدق الله العظيم وقال صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهبدانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم محترم ناظرين كرام قابلة التكريم سامعين عدام هم تمام كليه بات باعث مسرت مسرات وشادمانى ہے कि अल्हम्दुलिल्लाह सईदी चैनल अपने मिशन और अपनी ख़िदमत में रूबरू तरक्की पजीर है और उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों और की उख़रवी और दुनियावी फलाह और बहबूद के लिए हम वक्त ऐसे दीनी समाजी और माशरती प्रोग्राम पेश करता आ रहा है जिससे माशरे में एक तरह की बेदारी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर हो रही है हम इस अमली इकदाम पर सईदी चैनल के कारकुनान और ज़िम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करते हैं आज जिस मौजू पर हमें गुफ्तु करनी है यकीन व मौ बड़ा नाजुक भी है हसास भी है और अहम तरीन भी है हमारा आज का मौजू है अलाद की तरबियत का नबवी तरीक़ा हजरात हम जानते हैं कि दिन इस्लाम में जिस तरह वालदन के हकूक़ बयान किए गए हैं और क़ुरान करीम ने उसकी तरफ वबिलवालदिन एहसाना के ज़रिए इशारा किया है तोह दिलाई है इसी तरह इस्लाम ने वालदान को भी अलाद की हसन तरबियत की तरफ तो दिलाई है नाजीर ने किरा तज् नफ्स अखलाक और किरदार की बुलंदी और अलाद की तरबियत यकीन एक कठिन और सब्र आज़मा मरहला है और ये मरहला कुछ ऐसा नहीं है कि इंसान एक दरख्त को ये दरख्त का पौधा लगा दे और चंद ही दिनों में उसके फल का मंतज़िर रहे नहीं बल्कि एक ऐसा मरहला है कि साल हा साल गुजरने के बाद इंसान को अपने लगाए हुए दरख्त का फल मिलता है ऐसे ही औलाद की तरबियत का भी मसला है कि इंसान जब अपने औलाद की तरबियत उनके आगाज़ तफोलीत यानी बचपन से ही करने लगता है तो फिर आगे चलकर उम्र के एक मरहले में ये औलाद माँ बाप के लिए सुकून का ज़रिया बनती है माँ बाप की आँखों का ठंडक बनने का सबब होती है लेकिन ये उसी वक्त होता है जब माँ बाप अपने औलाद के हक़ में हकीकी तौर पर मुरब्बी बने अतालीक बने और अपने औलाद के लिए फ़िक्र रखें क़ुरान करीम ने औलाद से मुतालिक जहाँ ये बात कही है कि इन अमवालुकुम व औलादुकुम फितना कि तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है बाज़ लोग यहाँ पर ये ग़लती कर बैठते हैं कि फितने का तर्जा फितना ही कर डालते हैं हालांकि यहाँ पर फितने का तर्जमा फितना नहीं है बल्कि आजमाइश है कि अगर अलाद की सही तरबियत न हो सके माँ बाप इनके तरफ मुतवज्जे न हो सके तो फिर ये औलाद वाक़ता माँ बाप के हक़ में आजमाइश होती है फितना होती है और बल्कि वबाल जान भी होती है इसलिए कि फिर ये औलाद आगे चल कर चोर उचक्का डाकू और इस कस्म के जितने भी ख़राब चीज़ें हो सकती हैं खराब सिफात हो सकती हैं औलाद इन सब से मुतसिफ़ हो जाती है लेकिन जहाँ माँ बाप ने अलाद की तरबियत में मुखलिसाना मुहबाना मुशफिकाना रवैया इख्तियार किया तो अब ये औलाद दिल के सुरूर और आँखों के नूर का सबब भी बनती है साहब साहब कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल वम के हसन तरबियत के बायस अपने औलाद की तरबियत फरमाई बल्कि अम्बिया कराम ने भी अपने औलाद की हसन तरबियत फरमाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु को अल्लाह ने जिस मकसद अजीम के लिए दुनिया में मबूस फरमाया एक तो तालीम किताब है तजिक नफ्स है और तहजीब अखलाक है कुरान करीम में आप अलैहि वसल्लम के बेसत के मकसद में तजिकफ्स तहजीब अख़लाक़ शामिल हैं। वहीं वहींसन तरबियत भी आप सल्लाम के बेसक के अहम तरीन मकासद में है सवाल यह होता है कि तजिक नफ्स क्या है उसका सादा सा जवाब ये है कि तहजीब अखलाक और नफ्स की तरबियत ही का नाम तजिक नफ्स है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बड़ों की तरबियत की वहीं पर पैगम्बर आल सलाम ने बच्चों और ना उम्र औलाद की भी तरबियत फरमाई लेकिन पैगम्बर आल सलाम ने तरबियत में मौका महल और वक्त का लिहाज रखते हुए काम किया और असल ज़िंदगी तरबियत की यही होती है बल्कि मुरबी का कमाल यही होता है कि वो अपने मुरबा यानी जिसकी वो तरबियत कर रहा है उसको किस मौके पर क्या कहना चाहिए और किस एतबार से तरबियत करनी चाहिए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ़ क़ौली एतबार से बल्कि प्रैक्टिकल और तौर पर बताया भी अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम इस बात का लिहाज रखते थे कि नफ्सियाती तौर पर तरबियत की जाए आज हाल ये है हमारे और आपके ज़िंदगी का मामला के हम जब तरबियत करने जाते हैं तो मौक़ा महल का लिहाज नहीं करते और जिनकी तरबियत करनी है उनके ऊर्फी मकाम और हैसियत का भी लिहाज नहीं करते पैगम्बर आल ने इसकी पूरी रियायत फरमाई है याद रहे कि अल्लाह के नबी आलामाम ने हर मौके पर साहब कराम की तरबियत उसी एतबार से फरमाई है एक मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावल फरमा रहे थे आपके साथ भी थे एक बच्चा भी था पैगम्बर आल ने फ़ौर कहा कि अय बच्चे अल्लाह का नाम लो अल्लाह का नाम लो और अपने सीधे हाथ से खाओ इसलिए पैगम्बर आल सलाम भी अमली तौर पर सीधे हाथ से ही नौश फरमा रहे थे इसलिए पैगम्बर आल सलाम ने यह तरबियत फरमाई हजरत अनस रदील तरमाते हैं कि दस साल मैंने पैगम्बर आल सलाम की खिदमत की लेकिन अल्लाह के नबी सल वसम ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया और क्यों नहीं किया दस साल खदमत का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता है लेकिन पैगम्बर आल सलाम ने अपने नबवी अखलाक का सिक्का और नक्शा ऐसा बिठा दिया था कि पूरी दुनिया इंसानियत के लिए न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनियाई इंसानियत के लिए अल्लाह के नबी सल वम का ये तरीक़ा काबिल अमल है काबिल तकलीद है और अहम तरीन नमूना और उसवा है इसलिए कुरान करीम ने फरमाया लक़द रसूल उ तसना तरबियत में आप सल्ला वम जज्बात और एहसास के अलावा मिजाज और नफ्सियात का पूरा ख्याल फरमाते थे एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्हलम से सवाल किया कि मतस्सा आए मतसा, मतसा क़्यामत कब आएगी तो बजाय इसके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल इस साइल के सवाल का मुख्तलिफ नोयीत से जवाब देते पैगम्बर आल ने आगे से खुद ही सवाल किया और आपने फरमाया कि मैं द आदत मै ज आदत तला तुमने कियामत के लिए क्या तैयारी की कियामत तो जब आएगी अपने वक्त पर आएगी लेकिन तुमने उसके लिए क्या तैयारी की असल यह है कि तुमने उसके लिए जो तैयारी की है वो असल है क़ियामत जब भी आएंगी अपने वक्त पर आएंगी जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्हलम बड़ों की तरबियत फरमाते थे ऐसे ही बच्चों और जवानों की भी पैगम्बर आल सलाम तरबियत फरमाते थे और हुसन तरबियत की वजह से पूरी इंसानियत को अमन सुकून और चैन व इतमान मिला अपने बच्चों के हरकत और सकनात को हजर पाक सल्ला व्लम की सुनत मुबारका के मुताबिक करना एक मुरबी एक अतलीक और एक माहिर नफसियात माँ बाप की जिम्मेदारी है मसल माँ बाप खाना खा रहे हैं तो पहले खुद दुआ पढ़ें तो उनका देखा देखे बच्चे खुद भी पढ़ेंगे पानी पी रहे हैं गर्ज के ज़िंदगी और माशरे के जितने उमूर माँ बाप कर रहे हैं बड़े कर रहे हैं घर में अगर उस मौके पर दुआएं पढ़ते हैं तो यही नत, यही तकलीफ बच्चों के लिए भी होगी कि बच्चे भी दुआ पढ़ेंगे और पैगंबर आल सलाम ने अपनी आमली जिंदगी में इसको कर दिखाया खुद अल्लाह के नबी वसल्लम बच्चे थे अब्दुल अब्दुलम के शान पर और कंधे पर पैगम्बर आल खेलते रहे हरत अब्दुलमलिब ने आपकी तरबियत फरमाई फिर आपके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वम ने हसनैन की तरबियत फरमाई एक तवील सिलसिला है तरबियत का और अहम तरीन बात आज के जमाने में तरबियत की यह हो सकती है या लाजिम है कि जब तक माँ बाप अपने औलाद के हक में तरबियत के बाब में दोस्त नहीं बन जाते उस वक्त तक औलाद की सही तरबियत नहीं हो सकती इसलिए कि हर मौके पर डांटना और हर मौके पर फटकार करना औलाद को बागी भी बना सकता है इसीलिए किसी कहने वाले ने सच ही कहा है बहुत पाबंदियां बच्चों को बागी कर भी सकती है बहुत पाबंदियां बच्चों को बागी कर भी सकती है बड़ों का सख्त लहजा जा बजा अच्छा नहीं लगता अगर माँ बाप इस मुर्बी और मुशदीम अगर अपने मातहतों की तरबियत तरबियत में हमेशा यही लहजा इख्तियार करेंगे तो उनकी तरबियत नहीं होने वाली इसलिए तरबियत के बाब में औलाद के साथ नरमी का पहलू मोहब्बत का पहलू और किसी एतबार से मौका महल के अतबार से कुछ सख्ती का पहलू लाजिम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कर दिखाया है इसलिए आज के माशरे में आज के माहौल में हम उलमा के लिए दुआत के लिए बल्कि नास के लिए भी ये लाजिम और ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की नफ्सियात की तरफ तोजह दें कि बच्चों के नफसियात क्या कहती है इसलिए कि जब तक अताली मुरबी नफसियात का माहिर नहीं होगा वो अपने बच्चों की और अपने मातेहतों की सही तरबियत नहीं कर सकता किसी ने बहुत पहले कहा है कि औलाद की तरबियत मुख्तफ़ मैदानों में की जानी ज़रूरी है इसलिए कि अवलाद की तरबियत सही हो तो यह औलाद हकीकी माना में नामत है वरना खुदा न खास्ता गलत तरबियत अगर औलाद की होती है तो यही औलाद फितना और बाल भी बन सकती है दीन और शरीयत में औलाद की तरबियत एक अहम तरीन फरीजा और अहम तरीन जिम्मेदारी करार दी गई है अगर अवलाद की सही तरबियत की जाए तो औलाद आंखों का नूर और दिल का सुरूर होती है बच्चों के फिक्री नफसियाती नफ्सियाती मुआशरती अखलाकी और जिनसी और इलमी हर एतबार से तरबियत आज माँ बाप की अहम तरीन ज़िम्मेदारी है बल्कि उसके बग़ैर मुमकिन ही नहीं है और फिर आज के माशरे में लाजिम तरीन चीज़ें याद रखें तालीम का मरकज़ तालीम का मरकज इल्म है तालीम का मरकज इल्म है और तालब इल्म को अच्छी तरह जानने और समझने के लिए नफसियात का इल्म लाजिम और ज़रूरी है एक उस्ताद एक वालिद, एक माँ एक बाप अपने तालब इल्म के सही तरबियत उसी वक्त कर सकता है जब वो नफ्सियात का माहिर भी हो मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयत का छोटा सा टुकड़ा भी पढ़ा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर इरशाद भी आपके सामने पेश किया दोनों को पेश करने का मकसद ये है कि अल्लाह ने बच्चों को फितरत पे पैदा किया और फितरत फ़रत सलीमा कहलाती है जब तक बच्चे अपनी फितरत पर रहते हैं और माँ बाप उनको सही फितरत पर रखते हैं तो बच्चा संवरता है सुधरता है और चमकता है लेकिन ख़ुदा न खास्ता जब बच्चा बड़ा होने लगता है और माँ बाप की शुरू की तरबियत सही नहीं होती तो बच्चा बिगड़ने लगता है और बचपन की तरबियत इन उम्र के छः साल से लेकर बारह साल की उम्र तक जब बच्चों की तरबियत घर में होती है सही होती है तो आगे की ज़िंदगी के मरहल में बच्चा सही होता है माँ बाप के हाथ में रहता है औलाद और माशरे में सही किरदार अदा करता है और यही मकसद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्ला वम का कि हमारे बच्चे दीनदार रहें माशरेती अतबार से अपना दीनी सिक्का रखने वाले रहें और उम्मत और उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत के काम आने वाले रहें यह है अल्लाह के नबी सल्ह व तरबियत का तरीक़ा और आप सल्ला व्ल् का उवा जो पूरी इंसानियत के लिए एक नमूना है और काबिल तकलीद है अल्लाह करे मेरी आपकी ज़िंदगी में ये मामला आ जाए कि हम अपने बच्चों को दीनी अतबार से सही तरबियत करने वाले बने कि पूरी इंसानियत और पूरी दुनिया इंसानियत के काम आ सके दीन के काम आ सके मजहब के काम आ सके माँ बाप के काम आ सके और पूरी इंसानियत के काम आ सके कि कि के लो, लोगों के लिए होते हैं मैं मजीद आखिर में इस चैनल के कारकुनान और जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके मिशन और कास को तरक्तियों से हमकिनार करे और उम्मत को फ़ायदा पहुँचाए वह आखिरहदिल्लाबीआलमी